हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं एक वॉक अराउंड रिव्यू फोर्ड इको स्पोर्ट का। ये इको स्पोर्ट का टाइटेनियम वेरिएंट है और अभी आपको जैसे मालूम ही है कि कुछ नए अपडेट्स के साथ टाइटेनियम वेरिएंट जो है वो फोर्ड ने लॉन्च किया है। अभी इसके अंदर सनरूफ ऐड हो चुकी है और भी सेफ्टी के कुछ फीचर्स इसके अंदर ऐड हो चुके हैं, बट फिलहाल अभी इस वीडियो में मैं इसका वॉक अराउंड करूंगा एक्सटीरियर में इंटीरियर में जो भी फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई भी अपनी पुरानी गाड़ी है और मार्केट में आपको उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो आप बूडमो पे जा सकते हैं। बूडमो की आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी एंड्रॉयड iOS में। वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बूडमो पे जाके आप देख सकते हैं इजीली आपकी गाड़ी का जो भी वेरिएंट है वो सेलेक्ट करके, जो उसका मॉडल है, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ऑनलाइन कोई भी अपनी गाड़ी का पार्ट्स घर पे मंगा सकते हैं। उसके बावजूद उसके अगर आपको ये भी फैसिलिटी बूडमो अवेलेबल करता है कि अगर आपकी गाड़ी का जो आपने पार्ट मंगाया है वो उस गाड़ी में फिट नहीं हो रहा है तो आप उसमें रिटर्न भी कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको बूडमो में देखने को मिल जाएंगी। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को आप जाके चेक कीजिए बूडमो, और अगर आपको कोई भी सामान मंगाना है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं बूडमो के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स के बारे में। तो यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिलेंगी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, साथ ही साथ आपको हेलोजन यूनिट देखने को मिलेगा और जस्ट इसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर फोग लैंप्स। अगर इसकी सेंटर ग्रिल की बात करूं तो फ्रंट की जो ग्रिल्स हैं वो सेम पुराने वाले डिज़ाइन के अंदर ही है। क्रोम का यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा और सेंटर में आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर फोर्ड का एक लोगो। अभी चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टायर प्रोफाइल की। तो इको स्पोर्ट के टाइटेनियम वेरियंट में आपको देखने को मिल जाएंगे 205/60 R16 अलॉय व्हील्स। और एक खास बात कि इसके आपके पाँचों ही टायर्स में आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो इसका एक स्पेयर टायर है उसके अंदर भी आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। ये आपको ORVM है इसके ब्लैक फिनिशिंग में, भी टर्न इंडिकेटर्स जो कि काफ़ी देखने में शानदार लग रहा है। अब इसकी साइड प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें आपको ऊपर रूफ रेल्स देखने को मिलेंगी सिल्वर फिनिशिंग के साथ। अभी चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं बैक प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं टाइटेनियम वेरियंट के अंदर। तो ऊपर आपको रूफ में देखने को मिलेगा एक पावर एंटीना, यह आपका हाई स्टॉप माउंट लैंप हो गया। और बैक ग्लास में आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर डीफोगर, रियर वाइपर और रियर वॉशर। यह आपका इसका स्पेयर टायर है, जैसे कि आपको पता ही है कि फोर्ड इको स्पोर्ट के अंदर आपका जो पीछे बूट गेट होता है उसके ऊपर एक इसका स्पेयर टायर यहाँ पे लगा होता है। बैक बम्पर में आपको देखने को मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स नीचे और 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ फोर्ड इको स्पोर्ट अवेलेबल है। एक बार आपको इस गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल भी मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। तो जो गाड़ी के अंदर चेंजेस हुए हैं टाइटेनियम वेरिएंट के अंदर वो सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं और कोई भी चेंज आपको इसकी डिजाइनिंग से रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगा फिलहाल। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर में चलने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की की दिखा देता हूँ। ये इको स्पोर्ट की है और इसके अंदर आपको यहाँ पे दो ही बटन देखने को मिलेंगे, एक लॉक करने का और एक अनलॉक करने का। तो फिलहाल चलते हैं गाड़ी के अंदर, शुरुआत करेंगे ड्राइवर साइड डोर से। तो ड्राइवर साइड डोर में आपको यहाँ पे चारों पावर विंडोज के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। आप अपने ORVMs जो हैं उनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर ट्विटर, नीचे आपको इसमें काफ़ी बड़ा स्पेस दिखेगा। ये यहाँ पे स्पीकर हो गया, यहाँ पे एक बोटर होल्डर का स्पेस हो गया। फ्रंट की दोनों सीट्स में आपको देखने को मिलेंगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट और जो आपकी ड्राइवर साइड सीट है इसमें आपको हाइट एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक बार मैं आपको डैशबोर्ड की जो फिनिशिंग दिखा देता हूँ। ड्यूअल टोन इंटीरियर के साथ फोर्ड इको स्पोर्ट आती है और जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था कि टाइटेनियम वेरिएंट के अंदर जो सनरूफ है, तो आप देख सकते हैं टाइटेनियम वेरिएंट में यहाँ पे सनरूफ आपको अवेलेबल कराई गई है। फिलहाल अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। दोस्तों इको स्पोर्ट में जो आपको स्टेयरिंग मिलता है, स्टेयरिंग में आपको टिल्ट व टेलीस्कोपिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि आपकी MID के हैं और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको कंट्रोल्स देखने के मिलेंगे अपने वॉल्यूम के। फिलहाल अभी इसकी MID ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी MID। तो इसमें आपको एनालॉग MID देखने को मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इसमें RPM मीटर मिलता है, राइट हैंड साइड पे आपको इसके अंदर स्पीडोमीटर मिलता है और ये आपको यहाँ पे एनालॉग इसके अंदर फ्यूल मीटर भी देखने को मिल जाता है। काफी सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी ट्रिप ए में कितनी चल चुकी है, ट्रिप बी में कितनी चल चुकी है और कितना फ्यूल इसके अंदर अवेलेबल है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो टाइटेनियम वेरिएंट के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी 9 इंच की टच स्क्रीन
और इसके अंदर अभी तक एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स जो है वो अपडेट नहीं कराए गए हैं, बट आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका रियर कैमरा। तो ये इसके रियर जो आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा है, इसकी क्वालिटी है यहाँ पे टच स्क्रीन के अंदर। और अगर बात करूं इसके टच रेस्पॉन्स की, तो दोस्तों टच का जो रेस्पॉन्स है वो काफी बेहतरीन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। काफी मुझे लगता है कि शायद ये अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा हो, बट काफी शानदार इसका रेस्पॉन्स है। टाइटेनियम वेरियंट में आपको जो है नेविगेशन भी मिल जाएगा, नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको दिया गया है, और नीचे आपको काफी सारे और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है टाइटेनियम वेरिएंट के अंदर। नीचे आपको इसमें यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और ये यहाँ पे इसमें अवेलेबल है। ये डीजल वेरिएंट है, और डीजल वेरिएंट के आपको अवेलेबल है 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। यहाँ पे भी कुछ स्पेस आपका कराया गया है अवेलेबल, 2 कप होल्डर्स का स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ आपको सेंटर में मिल जाएगा आर्म रेस्ट, और आप देख सकते हैं आर्म रेस्ट के अंदर जो स्टोरेज अवेलेबल है इसका भी काफी बड़ा साइज यहाँ पे है। और क्या क्या फीचर्स आपको ऐड करे गए हैं, तो फिलहाल टाइटेनियम वेरिएंट के अंदर आपका एक सनग्लास होल्डर भी यहाँ पे आ चुका है, जो कि काफी शानदार फीचर है। और ये यहाँ पे इसकी कुछ लाइट हो गई, ये आपका कंट्रोल हो जाते हैं सनरूफ के, आप देख सकते हैं दोस्तों। एक बार मैं आपको सनरूफ जो है ये भी कंट्रोल इसका दिखा देता हूँ। ज्यादा बड़े साइज की ये सनरूफ नहीं है, छोटा बच्चा ही इससे बाहर निकल पाएगा, बट फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है ये। ये आपको यहाँ पे को ड्राइवर साइड एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, काफी अच्छा बड़ा स्पेस है। यहाँ पे आपको लाइट भी दी गई है, और ड्राइवर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका ग्लोब बॉक्स। ये इसका ग्लोब बॉक्स है, ज्यादा बड़ा साइज भी नहीं है बट छोटा भी नहीं है, अच्छा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है फिलहाल। अब बात कर लेते हैं कि टाइटेनियम वेरिएंट जो है इसका वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, चाहे आप डीजल में परचेज करें चाहे पेट्रोल में। डीजल और पेट्रोल में मात्र 20,000 रुपए का फर्क रह चुका है अब इको स्पोर्ट के टाइटेनियम वेरिएंट में। और ये गाड़ी डीजल में काफी अच्छा माइलेज क्लेम करती है, 21 का माइलेज ये गाड़ी क्लेम करती है। और अगर इसके पावर की बात करें तो पावर टू वेट रेशो भी इस गाड़ी का काफी शानदार है। और एक सबसे मेन बात जो अभी आपको लाइव में इसकी जो थर्ड साउंड है इसके डोर की वो सुनवाता हूँ। ये दोस्तों ये फील आपको कहीं और किसी और गाड़ी में नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं काफी शानदार लगता है ड्यूअल टोन इंटीरियर। अभी चलते हैं इस गाड़ी के रियर सीट पे, और जो इसकी ड्राइवर साइड सीट है इसको मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। एक दो चीजें हैं जो मैं दिखाना भूल गया। यहाँ पे आपको एक पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, और नीचे यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे ऑप्शन मिल जाएंगे अपनी हेडलाइट से रिलेटेड। फिलहाल अभी जो ड्राइवर साइड सीट है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, और अभी इस गाड़ी के रियर सीट पे चलते हैं और देखते हैं वहां पे कितना स्पेस अवेलेबल है। अभी मैं दोस्तों इको स्पोर्ट की रियर सीट पे आ चुका हूं। मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच, और ये मुझे यहाँ पे जो है लेग रूम नी रूम मिल रहा है, और नीचे जो लेग रूम है इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से बैठ सकता हूँ। ये भी नहीं है कि बहुत कम स्पेस है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पेस है। आपको एक बार डैशबोर्ड की लुक दिखा देता हूँ, काफी फ्रेश देखने में ये लगता है ड्यूअल टोन में, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी सनरूफ देख सकते हैं टाइटेनियम वेरिएंट की। पीछे की रियर सीट में भी आपको दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और जो कि काफी सही जगह प्लांट किए गए हैं। एक खास बात और जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो इसकी रियर सीट है अंडर थाई सपोर्ट इसकी भी काफी शानदार है, काफी आपको मजा आएगा जब आप पीछे बैठेंगे। तो कंफर्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है इको स्पोर्ट के अंदर, बट हाँ एक बात जरूर है कि 3 बंदे इसमें आराम से नहीं बैठ सकते। आप देख सकते हैं मैं आराम से जो मेरा हाथ है जो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला डोर है यहाँ तक टच कर सकता हूँ, तो 2 बंदे यहाँ पे कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, 3 बंदे नहीं बैठ पाएंगे, एक छोटा बच्चा ही बैठ पाएगा। और पीछे आपको रूफ में यहाँ पे मिलती है एक लाइट जो कि आपकी रियर पार्सल ट्रे के जस्ट ऊपर है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही जगह पे ये लगाई गई है, वरना ज्यादातर गाड़ियों की है वो यहाँ सेंटर में होती है, बट ये ठीक जगह है। और आप देख सकते हैं एक चीज कि कोई भी ग्रैब हैंडल का ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है इको स्पोर्ट के टाइटेनियम वेरियंट में, रूफ में कोई भी ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे फिलहाल। अभी चलते हैं गाड़ी के बूट की तरफ, और आपको मैं दिखाता हूँ इसका बूट कि इसका बूट कितना बड़ा है और क्या क्या चीजें वहां पे अवेलेबल कराई गई हैं। तो दोस्तों बूट की बात करते हैं, आपको अगर अपने गाड़ी का बूट ओपन करना है तो आपको यहां से
बूट ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है। इसकी जो टेल लाइट है वहां पे 350 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है इको स्पोर्ट के अंदर। और ये इसकी रियर पार्सल ट्रे है और ये रहा इसका बूट। 60-40 स्प्लिट में ये सीट्स नहीं आती हैं जो इसकी रियर सीट है। फिलहाल बूट को करते हैं बंद। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट इको स्पोर्ट टाइटेनियम वेरिएंट 2021 जो है वो दिखा दिया है। डीजल वेरिएंट ये था, 999,000 रुपये इसकी एक्स शोरूम कीमत है न्यू दिल्ली के अंदर। तो सारे फीचर्स मैंने कंप्लीट आपको बता दिए हैं। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।